हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अरे पीपल देखो, इन लड़का दमका के भगा दे बेचारा। पैसा लेने आए तो ये बैठे देख कड़कड़ाट के नोट लेके बैठो है। पैसा वैसा ना दे रहे, पापा का नहीं ये ले ले, तू वो दे दे। ये दे यार, ये अपने भाई को पैसा दे रहा है पंकज। पापा ही कर ना 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 नोट रख दे। तो गाइस आज है हमारे बारात और नोट माला डाल रहे। सर में मत डाल, गाना हम डाल डाला तुम 1,00,000 रुपए की तो डाल। अब ऋतिक अब तुम 1,00,000 रुपए की तुम्हारा डाल। बजट में है भाई, बजट तो बनाना से बड़े है यहाँ। अरे मेरे बेटे देखो, 9 बजे उठा है और ये पंकज पैसा दिखा रहा है। पंकज कितने रुपए है? कड़कड़ 8 का नोट है वाड़ी। हैं? हाँ। पंकज का नोट है कड़कड़ 8 का। दुके 10 का नोट। 10 का नोट। इतना बड़ो कर दिया हो, पता कितना 10 बाज है तेरे पीछे। अभी तो 10 का नोट और ले। भाई मेरे से कोई ना देखेगा 10 का नोट। ले भाई। इधर मामू लेके बैठो दे। 50 ले तू। विपुल बेटी पैसे चाहिए आपको भाई। है विपुल, अब दे दे अपना बेटा। ओए शाना मत बन, पैसे लेने का पैसा चाहिए सबने। पैसे भी 10 मेरे पास है। कभी रोटी खा रहे हैं और बाजरे की रोटी देखो, चटनी है, घी है और दही है, लोटी है। ये बात है, गांव में बाजरे की रोटी और चटनी घी खाना मजे ही कुछ और है। और मम्मी का हाथ कर भाई, कुछ मेरी मम्मी रोटी बहुत अच्छी बना हुआ है भाई, बाजरे की, मस्त पेट भर जाए। मैं तो ब्याह वाला तो गई भी ना, मैं तो यहीं खाऊंगी मम्मी का हाथ की रोटी, यही बनाऊंगी। मम्मी ने बाजरे की रोटी बनाई मेरे लिए, खाइए। खाना होने खा के फिर जाऊंगी वहाँ। विपुल विपुल मेरे से दे दो बेटा, विपुल मेरे से देना। रुक जा, अरे हप हो कोको का है। जा, लड़े हमारे भाई ने। भाई मैं आई हूँ अभी, मेरे फ्रेंड की शादी थी लंगड़बास, तो वहाँ गई थी और जल्दी जल्दी मैं बस फोन यहीं छोड़ के चली गई, तो अभी लोग भी नहीं बना पाई। और अब हो रहे हैं सब रेडी, बारात के लिए तैयारी हो रही है, वहाँ भी तेल वेल चढ़ाएंगे अब, तो अब मैं भी रेडी हो लेती हूँ। अरे देखो चल रही है तैयारियाँ, शुरू हो रही है, बाल बाल बना रहे हैं, तो मैं भी रेडी बाकी फटा से। और मैं आज क्या पहनूंगी मैं दिखाती हूँ आपको। ये वाला लहंगा है, ये वाला लहंगा वियर करूँगी आज मैं। ये लहंगा है, ये इसकी चुन्नी है और ये है इसका ब्लाउज। ये वाला लहंगा डालूंगी मैं और अब हो जाता हूँ रेडी। जम्मू हो गए हैं रेडी और ये है मेरी लुकिंग। और ये देखो तैयारी चल रही है पूरी, बारात की डीजे भी आ गया है और ये बाहर बैठे हुए हैं और गाड़ियां सारी आगे खेत में पार्क हो रखी है। इधर देखो मेरा जो घर है ना, वो बिल्कुल कहेगी खेतों में है। ये बाहर भैंस भैंस बंद रही है, वैसे तो इसकी जो गली है ना वो उधर से भी है, लेकिन मैं दिखाती हूँ आपको पूरा। और ये है गाइज मेरी आज की फाइनल लुकिंग, कैसी लग रही है बताना कमेंट्स करके ज़रूर। देखो ये है, ये हमारी पूरी कॉलोनी है, ये सारे मेरे इधर से वैसे प्लॉट है भैंसों के, ये खेत वेत है। बस जा रहे हैं अब। ये ऋतिका देखो, ब्लैक शर्ट वाइट पैंट, और ये मैं हूँ घर से।
बात अंदर चल रहा है प्रोग्राम वो भाई के आरता वार्ता सोते माला वाला डाल रहे हैं सब चल रहे हैं क्या हो रहे हैं। निकासी की तैयारी चल रही थी, ये सब खड़े हुए थे और ये फोटोग्राफर फोटो खींच रहे थे और ये मेरा दादाजी, मेरे दादाजी पूछे दादाजी ठीक हो, कह रहा हाँ ठीक हूँ बढ़िया। फिर बारात के लिए निकासी के लिए निकल गई थी, ये तो बम पटाके चल रहे हैं और सामने वो डीजी बज रहा था और भाई घोड़ी पे बैठ के जा रहा था देखो, और मैं जैकेट लेने के लिए घर गई थी तो इसलिए मैं पीछे पीछे थी। ये देखो ये घोड़ी जा रही है इधर से और दूल्हा राजा घोड़े पे बैठा है और सामने वो डीजे बज रहा था। और फिर हम पहुंचे थे मंदिर में, ये हमारे गांव का रामदेव जी का मंदिर है, ये मंदिर है, ये रहा। रामदयाल मंदिर से यहाँ पे आए थे शिव मंदिर पे, ये घोड़ी खड़ी थी और ये गाड़ी है दूल्हे की, गाड़ी आ गई थी क्योंकि यहीं मंदिर से सीधे गाड़ी में बिठाया था भाई को, तो यहीं से लेके गए थे। ये गाड़ी खड़ी थी, ये सब लोग खड़े थे गाड़ी को बैग लगवा रहे थे। ये गाड़ी है, गाड़ी को बैग कर रहे थे ये, और ये भाई वगैरह सब खड़े थे यहाँ, फोटोग्राफर फोटो ले रहा था और इसमें भैया बैठ के चल दिया था ससुराल, तो ये गाड़ी निकल गई थी फिर और हम भी निकल गए थे बारात में, सब जा रहे थे सारी लेडीज इस गाड़ी में बैठ के बारात के लिए निकल गए थे हम भी, ये हमारी गाड़ी जा रही थी। हम पहुंच गए हैं भाई बारात में और ये सब आ रहे हैं और हम जा रहे थे, देखो हम बारात में पहुंच गए थे और ये सामने टेंट लगा हुआ है उनके घर का और हम सब मैं पहुँचते हैं उनके घर, तो अब जा रहे थे, डीजे बज रहा था और मैं आ गई थी उनके घर के पास बिल्कुल। देखो ये है डेकोरेशन, ये हो रखी है, ये पूरा डेकोरेट था और फिर अंदर ये टेंट लगा हुआ था उनके घर पे, जा रहे थे ये डेकोरेशन कर रखी थी उनके घरों में टेंट की। ये मनीषा जा रही थी आगे आगे और मैं इसके पीछे वीडियो बनाती बनाती जा रही थी देखो, और इधर की तरफ डीजे लगा हुआ था, मतलब फ्लोर लगा रखा था और क्योंकि एक साइड में फ्लोवर था और एक साइड के अंदर मतलब उन्होंने खाने वाने का प्रोग्राम कर रखा था, तो हम जा रहे थे सारे। कोल्ड ड्रिंक्स सर्व करने के लिए आए हैं, सर्व कर रहे थे भाई, खातर पानी करवा दे आज भाई ससुराल आए हैं, लोग भी हैं क्योंकि
क्योंकि एक्चुअली क्या है कि आज इनके भाई का भी लगन है, जो भाभी है तो उनके भाई का भी लगन है, तो इसलिए वो लोग हैं। बाकी सब खाना वाना खा के जा चुके हैं। इधर ये फ्रूट चाट लग रही है ना, अब खाना वाना खा लेते हैं, फिर स्टेज का प्रोग्राम होगा। क्योंकि अभी बारात आई नहीं है, आने वाली है, अभी चल रहा है, वो रास्ते में ही है, बताइए तब ना खाना वाना खा लेते हैं। ये पापा जी आए खाना खा रहे, यहाँ से देखो सरवर साहब ने मफलर वफलर बांध के, ये रोटी बन रही है यहाँ, और पापा खाना खा रहे हैं। वो सामने चाचा जी है, जैकेट पहन रखी है, जो ये सब खाना खा रहे हैं इधर की तरफ। ये देखो लवड़ी तो जवान हुए ना, हमारी भाजी जवान है अभी तो देखो। हेलो गाइस, हमने खाना खा लिया है, पेट भर के हमारी दीदी पूरी दिन ब्लॉग पर आती है, भाई बढ़ाना पड़ता है, क्या करें। देखो स्टेज है, फोन आया। ये ऋतिक और विशु वहाँ पे रोटी के लिए वेट कर रहे थे, ये वहाँ पे रोटी बन रही थी, ये रोटी तो क्या है वहाँ पे देखो, दोनों बातें कर रहे हैं बैठ के। बुआ जी का लड़का था विशु इधर वाला, और वो मेरा भाई है ऋतिक, इनकी गपशप कर रही थी। हमने खाना वाना खा लिया था भाई, और सामने देखो वो स्टेज का प्रोग्राम चल रहा था, भाई भाभी स्टेज पे बैठे थे, और हमने आशीर्वाद वगैरह दे दिया था, तो हमने सोचा मैंने कि भाई अब चलते हैं, या बैठने से कोई मतलब नहीं है, आशीर्वाद तो कर ही दिया है, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगना था, फेरे वेरे भी बाकी थे, तो इसलिए अब हम सब चल दिए थे। मेरे भाई आ जाएगा भाभी को लेके और हम चलते हैं। तो हम जा रहे थे, इधर डीजे बज रहा था साइड में देखो वहाँ, और लाइट भी फीकी पड़ चुकी थी। मैं बस चलते हैं हम, तो हम सब चल दिए थे, भाभी वगैरह सब हम जा रहे थे, और मन बेटी भी मेरे साथ थी। मन बेटी ने कैप लगा ली है, पूरी शादी में तो कैप नहीं लगाई थी, लेकिन आते वक्त में बेटा पहन ले इसने, तो कैप लगा ली थी इसने। और ये देखो भाई की गाड़ी खड़ी हुई है यहीं पर ही, और वो आगे दीदी वगैरह भाभी वगैरह सब जा रहे थे, तो हम भी जा रहे थे टेंट में से निकल के। मैं भाई बस हो गई है, ये देखो लाइटिंग, ये उनका घर था भाभी अर का, लाइट वाइट लगा रखी थी इधर से जा रहे हैं, और हम पहुंच गए थे भाई अपनी गाड़ी के पास। हमारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हुई, गाड़ियाँ लगी हुई है, तो ये गाड़ियाँ हमारी पार्क हो रखी है यहाँ पे, चलते हैं गाड़ी के पास हम पहुंच गए थे। जब चलते हैं उतरो 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 भाई, ये देखो दूसरी किसी की बारात, आ जाओ सारी चला एने पे अटेंड करिया वहाँ, यहाँ देखो भाई किसी की बारात आ रही है, हम बारात अटेंड करके वापिस जा रहे हैं। देखो सोमना तो उतर नाच ढोल पे, पहुंच गया उतर जा गाड़ी में से, मनोड़ी है पीछे भी, और पीछे भी गाड़ी लग रही है भाई, ओ माय गॉड, मेरे पीछे गाड़ी लगी पड़ी है। बस अब सारे बता बराती आ ही रहे हैं, कुछ आ गए हैं, गाड़ी एक ही खड़ी है, ये जा रही है भाभी वगैरह। गोड़ देख लो भाई टप का कोई टप पता नु झुका लिया, और ये हमारे ऋतिक साहब ब्याले आयो, टीटी बन गए, काली शर्ट लगा के सफेद पैंट लगा के नेता, आजा मेरा पाँव बड़ खा रहा है, पाँव के हमारे तो गए सब कुछ बड़ खा रहा है, ऋतिक का पाँव पाँव बड़ खा रहे तो पूरा पूरा नहीं दे देगा। फाइनली घर पहुंच गए, अब
अब जाके शांति पड़ी है भाई, अपने घर से भला कुछ नहीं है भगवान का सब, अपना टूटा फूटा कच्चा पच्चा कैसा भी भाई अपना घर अपना ही होता है। और अब आए हैं, अब करेंगे अपने कपड़े वपड़े चेंज, भाभी आती रहेगी बाद में, क्योंकि अभी तो फेरे वेरे होंगे, फेरे वेरे भी नहीं हुए थे, तो वो फेरा वेरा करके विदा विदा करके ले आएगा, अपन सोएंगे क्योंकि कल रात की भी नींद है बनवारा की 2 बजे तक की। और गाइस अब सोएंगे कपड़े वपड़े चेंज करके, और मेरी माता राम तो शायद सो ही रही होगी, देखो माता राम सो रही, बिस्तर लगे हुए हमारे नीचे, बस कपड़े चेंज करके फिर सोते हैं। ये देखो मेरे टी शर्ट पहन के खड़ा है नेता, ये फिक्स आ रही है, ढीली कर देगा कैसे मोटो मम्मी, वाईफाई मेरे से तो मोटा ही है, वाईफाई मैं वाईफाई कर दो कर दे मम्मी दो दे।